बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जमा शशो में उर्दू अदब के साथ खुशामदीद। आज हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। नज़म है बात, सफ़ा नंबर 31। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी सन्नाहट हुई। घटा आनकर मी जो बरसा गई, तो बेजान मट्टी में जान आ गई। जमीन सब्जे से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजीब बेल पत्ते, अजीब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये दो दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। अब हम इसके अल्फाज के मायने देखेंगे ताकि आपको नज़म को समझने में आसानी हो। घटा यानी बादल, सनसनाहट तेज हवा की आवाज, लहलहाने हरी भरी फसल का, हवा से झूमना जड़ी बूटियां, खुद ब खुद उगने वाले पौधे, बेल उमूदी उगने वाले पौधे, ढंग तरीका। इस नज़्म को इस्माइल मोहम्मद इस्माइल मीरठी ने लिखा है। अब हम इसके सबसे पहले तशरीह देखेंगे, इसको समझेंगे और इसकी तशरीह देखेंगे। बंद नंबर 1, वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी सनसनाहट हुई। हवाला मतन लिखेंगे पहले आप। नज़म का नाम बरसात, शायर का नाम मोहम्मद इस्माइल मीरठी। तशरी, पहले बंद में शायर ने बरसात की मंजर कशी का आगाज कुछ यूं किया है कि आसमान पर काली घटा यानी काले काले बादल छाए हुए हैं या छा गए हैं और चारों तरफ नमूदार होने वाले हैं। घटा के आने से एक आवाज़ पैदा होती है और हवा में भी हल्का हल्का सा शोर पैदा होने लगता है। मंद नंबर 2 देखें। घटा आकर मी जो बरसा गई, तो बेजान मट्टी में जान आ गई। सबसे से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। तशरीह, दूसरे बंद में शायर कहता है कि घटा के आने के बाद बारिश बरसने लगी, मी यानी बारिश। बारिश बरसने से बेजान मट्टी पर रौनक हो जाती है और बारिश तकवियत का सबब बनती है, यानी बारिश होने से हर चीज़ में एक ताकत सी आ जाती है। ज़मीन पर मौजूद सब्ज़ा और फसलें हवा से हिलने लगती हैं, यानी लहलहाने लगती हैं, खुश हो जाती हैं, ज़्यादा पैदावार बढ़ जाती है और किसानों की दिन रात की मेहनत रंग ले आती है, यानी जो वो साल भर मेहनत करते हैं वो बारिश से वो जो फसल है वो खुल कर सामने आ जाती है, क्योंकि बारिश से हमारी फसलें सर सब्जो शादाब हो जाती हैं। बंद नंबर 3 देखिए। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजीब बेल पत्ते, अजीब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये दो दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। तीसरे बंद में शायर कहता है कि बारिश बरसने के सबब जड़ी बूटियां पेड़ बेल पत्ते और फल फूल निकल आते हैं। हर एक दरख्त पर एक फूल खूब दिलकश लगता है। यूं लम्हों में सारा जंगल सरसब्ज होकर दिलकश मंजर पेश करता है। ये तशरीह आपने अपनी क्लास पर कॉपी पर करनी है। अच्छा क्लास, बरसात के मौसम में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? यकीनन आपको भी मेरी तरह बरसात के मौसम में रंग बिरंगे फूल बहुत अच्छे लगते होंगे। अच्छा, धनक किसे कहते हैं, कुछ पता है किसी को?
धनक या कौसो कजा या रेनबो जिसे आप कहते हैं, फितरत का एक मजहर है जिसमें बारिश के बाद फिजा में मौजूद पानी के कतरे एक मंशूर की तरह काम करते हैं। जब इनमें से सूरज की रोशनी शुआएं गुजरती हैं तो ये सात रंगों में बदल जाते हैं। यूं आसमान पर एक सतरंगी कमान या धनक बन जाते हैं, उसे कौज़ो कज़ा कहते हैं। धनक के सात रंग ये हैं: सुर्ख माल्टाई, पीला, सब्ज, नीला, जामनी और गहरा नीला। अब आप आ जाइए सफा नंबर 32। मश्क पर दिए गए सवालात के जवाब लिखें। नंबर एक, सवाल नंबर एक, काली 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 घटा से क्या मुराद है? जवाब, काली काली घटा से मुराद काले बादल और आंधी हैं जो बारिश से कबल नमूदार होते हैं। सवाल नंबर दो, बारिश के बाद बेजान मट्टी में कैसे जान आ जाती है? जवाब, बारिश होने के बाद मिट्टी में जड़ी बूटियां उग जाती हैं जिससे बेजान मिट्टी में जान आ जाती है। सवाल नंबर तीन, किसानों की मेहनत ठिकाने लगने से क्या मुराद है? जवाब, इससे मुराद ये है कि बरसात के बाद ये बेजान मिट्टी में जान आ जाती है और जमीन सब्जे से लहलहाने लग जाती है। सवाल नंबर चार, जंगल का जंगल हरा भरा हो गया, इससे शायर की क्या मुराद है? जवाब, इससे शायर की मुराद है कि बरसात के बाद जड़ी बूटियां, पेड़, बेल, पत्ते, फूल, फल निकल आए। इसके बाद सवाल देखिए, नज़म का खुलासा लिखें। खुलासा देखिए, इस नज़म में शायर ने बरसात की मंजर कशी की है। बरसात से पहले काली घटा चारों तरफ छा गई है, घटा के बाद मी बरसने से बेजान मिट्टी में जान आ गई है, सब्जा निकल आया है, पेड़ बूटे पत्ते फल फूल निकल आए हैं, किसान की मेहनत रंग ले आई है और यूं सारा जंगल सरसब्ज हो गया है। ये था इस नज़्म का खुलासा। अब इसके बाद है 10 पैराग्राफ को गौर से पढ़ें और आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखें। इन सवालों के जवाब अपने पैराग्राफ की मदद से लिखने हैं। अब आ जाइए सफा नंबर 33। अब आ जाइए सफा नंबर 33 पे। कलमे की अकसाम, कलमे की यानी किस्में, कलमे की तीन किस्में हैं: इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की बनावट के लिहाज से भी तीन किस्में हैं: इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मश्तक। इस्म के मायने के लिहाज से किस्में दो हैं: इसमें नकरा और इसमें मार्फा। इसमें नकरा की किस्में इसमें इस्तफहाम, इसमें ज़ात, इसमें मस्दर, इसमें सिफ्त, इसमें मश्तक। ये थी कलमे की किस्में। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 देखिए, दुरुस्त जुमले के लिए टिक और गलत के लिए क्रॉस का निशान लगाएं। ये आपने किताब पर करना है, सवाल जवाब और तशरी आपने क्लास पर कॉपी पर करनी है। फेल कलमे की एक किस्म है, दुरुस्त यानी टिक का निशान लगाइए। बनावट के लिहाज से इस्म के चार किस्में हैं: क्रॉस, इसमें ज़ात, इसमें मार्फा की एक किस्म है क्रॉस, इसमें सिफ्त, इसमें नकरा की एक किस्म है टिक। फेल और हर्फ कलमे की किस्में हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, नज़्म के मुताबिक दर्ज ज़ेल मिसरे मुकम्मल करें। है चारों तरफ छाने वाली घटा, घटा के जो आने की आहट हुई तो बेजान मट्टी में जान आ गई, जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल कि जंगल का जंगल हरा हो गया। पेज नंबर 34 पर आ जाइए। सवाल नंबर 6, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब को मुंतखिब करें। घटा किस चीज़ का सबब बनी? जवाब क्या होगा? बारिश। मेहनत ठिकाने लगना से क्या मुराद है? किसान का मेहनत करना। बेजान मिट्टी में जान आना किससे जाहिर हुआ? जड़ी बूटियां उगना।
मजमूई तौर पर इस नज़्म के लिए मौजूद तरीन जुमला है, बारिश से सारा माहौल बदल जाता है। इसके बाद देखिए, गौर कीजिए, साल के 12 महीनों में से कौन कौन से महीने में ज़्यादा बारिशें होती हैं, इनके नाम लिखें। जवाब, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में बारिशें ज़्यादा होती हैं। सवाल देखें, साल में कितने मौसम होते हैं और आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, वजह भी बताएं। साल में 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, खिजा। मुझे अच्छा लगता है वो मैं बता रही हूँ, जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आपने 2 जुमले लिखने हैं। मुझे मौसम बहार पसंद है क्योंकि बहार का मौसम खुशगवार होता है, दरमियाना होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी। सवाल देखें, बारिश की वजह से पेश आने वाले हादसात से कैसे बचा जा सकता है। जवाब, बारिश के दिनों में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करके और मजबूत घर में रहने से बारिश की वजह से पेश आने वाले हादसात से बचा जा सकता है। इसमें आपने सवाल जवाब और मश्क की तशरी, नज़म की तशरी जो है ये आपने कॉपी पर करनी है, बाकी सारा काम